हेलो क्लास 8, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। और आज हम लोग इस वीक के ऑनलाइन इवैल्यूएशन का जो सिलेबस है, चैप्टर सर्कल्स, उसे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि सर्कल क्या होता है। तो आइए जान लेते हैं सर्कल क्या होता है। मान लीजिए कि कोई एक कोई एनिमल है, फॉर एग्जाम्पल कोई गाय है, और उस गाय को एक खूंटे से बांध दिया गया है। सपोज ये वो खूंटा है जिस खूंटे से वो गाय बंधी हुई है, और उस खूंटे से गाय के गले तक ये रस्सी है, ठीक है। तो एक खूंटा है, एक पोल है, और उस पोल से गाय के गले तक बंधी हुई है वो रस्सी है, वो रोप है। तो गाय जो है, जितना उसके गले में जितना बड़ा रस्सी है, उतना ही उसी हिसाब से वो क्या कर रही है, चारों तरफ क्या कर रही है, घूम रही है ना, चारों तरफ क्या कर रही है, घूम रही है। तो अगर कोई ये गाय जो है ज्यादा से ज्यादा इस एरिया के इतना एरिया का क्या कर सकती है, घास को खा सकती है ना, इससे ज्यादा तो वो नहीं जा सकती है गाय। तो ये जो खूंटा है, जो पोल है, उसे हम क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। और यहां तक ये जो मैक्सिमम एरिया काउ कैन ग्रेस, तो ये जो रास्ता जो बन रहा है, इस रास्ते को हम लोग, ये जो रास्ता बन रहा है, इसे हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस कहते हैं। ये जो रास्ता बन रहा है ना, ये रास्ता जो बन रहा है, इसे हम लोग सर्कमफेरेंस कहते हैं। तो व्हाट इज सर्कल, सर्कल के डेफिनेशन में आते हैं, अ सर्कल इज द लोकस। मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में जो रास्ता होता है उसे हम लोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, लोकस। लोकस, लोकस मैथमेटिकल लैंग्वेज में रास्ते को कहते हैं, पाथ को कहते हैं। तो अ सर्कल इज द लोकस ट्रैवर्स्ड बाय अ मूविंग पॉइंट, काउ क्या है, मूविंग पॉइंट, अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट। और जो खूंटा है, जो पोल है, वो क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है। अ सर्कल इज द लोकस ट्रैवर्स्ड बाय अ मूविंग पॉइंट अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट इन सच अ वे that the distance between the moving point and the fixed point always remains the same। कहने का मतलब है कि सर्कल एक लोकस है, एक रास्ता है, जो कि एक मूविंग पॉइंट बनाता है, एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ घूमते हुए, और इस तरह से घूमते हुए कि उनके बीच का जो ये डिस्टेंस है वो हमेशा क्या हो, सेम हो, हमेशा इक्वल हो। मतलब कि अगर काऊ का रोप का लेंथ, या ये पोल है, यहां तक काऊ चली गई, इससे ज्यादा नहीं जा सकती है, तो ये सपोज 2 मीटर है, तो यहां तक भी क्या होगा, 2 मीटर। ये वाला 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 भी क्या होगा, 2 मीटर, है ना। उसकी रस्सी की जो लंबाई है वो तो चेंज नहीं हो सकती है, वो बढ़ नहीं सकती है, ना ही घट सकती है, वो तो फिक्स्ड है। तो ये काऊ इस तरह से उस पोल के चारों तरफ मूव कर रही है। पोल क्या है, फिक्स पॉइंट, सेंटर है, ठीक है। तो उस इस तरह से चारों तरफ मूव कर रही है कि ये काऊ का जो नेक है, जहां पे रस्सी बंधी हुई है, वो मूविंग पॉइंट है, और वो जो खूंटा है, जो पोल है, वो क्या है, फिक्स पॉइंट है। उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, हमेशा सेम है। तो ये जो ज्योमेट्रिकल फिगर बनता है उसे हम सर्कल कहते हैं। तो ये क्या है, एक सर्कल है। सर्कल में अब ये जो लेंथ ऑफ बाउंड्री है, जिसे कि मैंने क्या कहा, सर्कमफेरेंस का, ठीक है। तो सर्कल में ये जो लेंथ ऑफ बाउंड्री है, ये जो रास्ता बन रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस कहते हैं। या हम इसे और भी अगर इजी लफ्जों में कहें तो इसे क्या कह सकते हैं, पेरीमीटर कह सकते हैं। पेरीमीटर वर्ड का मतलब आप जानते ही है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री, लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, उसे हम पेरीमीटर कहते हैं। तो सर्कल में ये जो एरिया है, ये जो बाउंड्री है, इसे हम सर्कमफेरेंस कहेंगे, पेरीमीटर कहेंगे। वो जो फिक्स पॉइंट है उसे हम सेंटर कहेंगे, और उस सेंटर से इस बाउंड्री तक के डिस्टेंस को, सेंटर से सर्कमफेरेंस तक के डिस्टेंस को क्या कहा जाएगा, रेडियस, ठीक है। सेंटर से सर्कमफेरेंस तक के डिस्टेंस को, बाउंड्री तक के डिस्टेंस को रेडियस कहा जाएगा। मतलब अगर हम बताएं, अगर उसी एग्जांपल को फॉलो करें, तो उस लेंथ ऑफ द रोप जो कि गाय के गले से बंधी हुई है खूंटे तक, उस रोप के लेंथ को हम क्या कह रहे हैं, रेडियस कह रहे हैं। तो एक और एक सर्कल बनाते हैं,
जैसे मान लो कोई सर्कल है, ये क्या है, सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक ये क्या है, रेडियस है। अगर इसको इस तरफ भी हम बढ़ा दें तो इसे क्या कहेंगे हम, डायमीटर। ठीक है, तो व्हाट इज डायमीटर, डायमीटर इज द लाइन विच पासेस थ्रू द सेंटर। यहाँ पे सेंटर है ना, तो डायमीटर इज अ लाइन विच पासेस थ्रू द सेंटर एंड टचेस बोथ एंड्स ऑफ द सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस के इस एंड को भी टच कर रहा है और उस एंड को भी टच कर रहा है, तो ये क्या हो गया डायमीटर। देखो ये भी डायमीटर है, सेंटर से पास करेगा और दूसरे एंड को क्या करेगा, दोनों एंड को टच करेगा, ये सेंटर से पास होना चाहिए। ये भी क्या है, डायमीटर है। ये भी क्या है, डायमीटर है ना। तो अ लाइन विच पासेस थ्रू द सेंटर एंड टचेस बोथ एंड्स ऑफ द सर्कमफ्रेंस इज नोन एज डायमीटर। तो अगर यहां से यहां तक रेडियस 2 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 4। यहां भी 2 है ना, ये भी तो रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो 2+2 कितना हो गया, 4। इससे हम एक रिलेशन हमें मिला, तो जो मैंने बताया कि अगर रेडियस 2 है तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 2+2, 4। इससे हमें एक रिलेशन मिलता है, क्या रिलेशन मिला, डायमीटर इक्वल्स टू 2 × रेडियस, है ना। रेडियस का ट्वाइस होता है, रेडियस का डबल होता है डायमीटर। या इसी से एक और रिलेशन हम निकाल सकते हैं, रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर बाई 2। डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। तो अगर आपके पास डायमीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, इसका हाफ कर लेना, कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर, है ना। और एक एग्जांपल दे दे रहा हूं, अगर आपके पास रेडियस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो डायमीटर कितना, इसका डबल, डायमीटर क्या होगा, रेडियस का डबल होगा, तो 2 × 4 = 8 सेंटीमीटर। तो आज मैंने ये बताया कि सर्कल किसे कहते हैं, सेंटर क्या होता है, वो फिक्स पॉइंट है, और सर्कमफ्रेंस क्या है, पेरिमीटर, दोनों सेम है, रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, थैंक यू।